गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड सिक्स, आई वेलकम यू ऑल इन आवर ई लर्निंग क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर हुज टाइटल इज स्टोर्स इन द फॉरेस्ट। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश एमसीबी बुक। सो एज यू ऑल नो दैट दिस इज द वीडियो ऑफ क्रैश कोर्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू समराइज द होल स्टोरी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो हियर इट इज, जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। सो फ्रिज का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु वर्ष 2002 में हुई थी। तब वह एक बेकर थे, परंतु जब वह केवल 12 वर्षों के थे तब उनके जीवन में एक अत्यंत ही असाधारण घटना घटी जिस कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली। वर्ष 1944 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब फ्रिज व उनकी माँ बेल्जियम बॉर्डर के पास के जंगलों में रहा करते थे, तब क्रिसमस ईव की रात उन्होंने कुछ अमेरिकन्स और जर्मन सोल्जर्स को अपने घर में पनाह दी थी। फ्रिज की मां ने उन सैनिकों से कहा कि आप लोग अपने अपने हथियार घर के बाहर ही रखने होंगे, क्योंकि आज क्रिसमस की पावन रात है और आज की रात मैं अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं चाहती हूँ। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रिज और उनकी माँ एक जंगल में रहा करती थी, दोनों अकेले रहा करते थे। उनके पिता की पोस्टिंग हो गई थी सिविल डिफेंस फायर गार्ड में, उनकी पोस्टिंग हो गई थी और वे अपनी पोस्टिंग से पहले अपनी फैमिली को सेफ करना चाहते थे, क्योंकि उस दौरान जर्मन्स और अमेरिकन्स में बहुत युद्ध छिड़ा हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू का टाइम था तो युद्ध, हर तरफ युद्ध चल रही थी। तो पिता चाहता था कि अपने परिवार को मैं पहले सेफ कर दूं, सेफ जोन में डाल दूं, उसके बाद मैं अपने पोस्ट पे चला जाऊं। तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने अपनी फैमिली को जंगल में रख दिया। उसके बाद फ्रिज के पिता अपने पोस्ट पे, यानी अपने जहां उनकी पोस्टिंग थी वहां वो चले गए। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही माँ अपने घर में बैठी होती तो वो जो रात था वो क्रिसमस की रात थी। उस रात क्या हुआ कि सभी माँ और बेटे घर में बैठकर क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे और भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। उसी क्षण क्या होता है कि जैसे ही माँ ने घर का दरवाज़ा खोला, पहले घर पे क्या हुआ, एक नॉकिंग की आवाज़ हुई, यानी किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई। तो दरवाजे खटखटाने पर माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो माँ ने देखा कि चौखट पर चार सैनिक खड़े थे जो हथियारों से लैस थे और वे सभी अमेरिकन्स थे। उनमें से एक सैनिक था जो घायल अवस्था में था, ठीक है। तो वो अमेरिकन सैनिक फ्रिज की माँ से कहते हैं कि हम लोग अपने रेजिमेंट का रास्ता भूल गए हैं और इस तूफानी रात में आपके घर में रात भर के लिए पनाह चाहते हैं। तो फ्रिज की माँ कहती है कि आपका मोस्ट वेलकम, आइए और हमारे घर में आपका वेलकम है, स्वागत है, और हमारे घर में जो भी पकवान बने हैं उसे पेट भर तक खाइए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये चार अमेरिकन सैनिक फ्रिज और उनकी माँ घर में बैठकर खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी दौरान फिर कुछ समय बाद दरवाजे पे दोबारा नॉकिंग होती है, दोबारा किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। इस बार जब फ्रिज की माँ दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने जर्मन्स हैं। अब जर्मन्स को अपने चौखट पर देख कर वो थोड़ी देर के लिए सन्न अवाक रह जाती है। वो सोचती है मन में कि मेरे घर के अंदर तो अमेरिकन्स बैठे हुए हैं और उस समय दुश्मनों को घर में पनाह देना एक बहुत ही बड़ी बात होती थी, इस सजा के लिए उन्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता था। तो यद्यपि एक बच्चा होते हुए भी मैंने डर से पूरी तरह लाचार हो गया था, यद्यपि एक बच्चा होते हुए, यानी फ्रिज अपने बारे में कह रहा है कि वो एक बच्चा था, उसके बावजूद भी वो डर से पूरी तरह लाचार हो गया था, क्योंकि वह अपने देश के सख्त कानून से वाकिफ था। अपने देश के दुश्मनों को घर में पनाह देने के अपराध में उसे व उसकी माँ को मृत्यु दंड दिया जा सकता था। माँ भी इस बात से डर रही थी, परंतु उसने अपने चेहरे पर डर का भाव व्यक्त नहीं किया और बड़ी ही सहज और शांतिपूर्ण ढंग से कहती है मैरी क्रिसमस। अब जर्मन लैंग्वेज में कहती है मैरी क्रिसमस। तो कॉर्पोरल ने कहा हम सभी अपने घर का, यानी अपने रेजिमेंट का रास्ता भूल गए हैं और सुबह तक आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं?
तो इस पर माँ जवाब देती है, जी हाँ, आप बिल्कुल हमारे यहाँ रुक सकते हैं और तब तक खा सकते हैं जब तक कि हमारे बर्तन खाली ना हो जाएं। जर्मन्स ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि दरवाजे की ओट से खाने की मनमोहक खुशबू उनके उन तक पहुंच रही थी। माँ ने उसी क्षण दृढ़ स्वर में कहा, हमारे यहाँ तीन और अन्य और मेहमान भी हैं अंदर। यानी कि फ्रिज की माँ ने उन जर्मन सैनिकों से कहा कि इस वक्त हमारे घर में तीन और मेहमान भी हैं जिन्हें शायद आप अपना मित्र ना समझें। क्रिसमस के इस शाम को मैं अपने घर में किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहती हूँ। इतना सुनते ही जर्मन्स के जो कॉर्पोरल थे वे गरज कर फ्रिज की माँ से पूछते हैं, कौन है अंदर? युवक की माँ कहती है, आप ही के जैसे कुछ सैनिक हैं जो इस ठंड में अपना रास्ता भटक गए हैं और सुबह तक की पनाह चाहते हैं। जैसे आप सुबह तक रुकना चाहते हैं हमारे घर में, वैसे भी वे भी सैनिक ही हैं, वे भी सैनिक ही हैं और वे भी अपना रास्ता भूल गए हैं और आप ही की तरह हमारे घर में रात भर की शरण पनाह चाहते हैं। तो आइए हम सभी क्रिसमस के इस पावन रात को अपने बीच की दुश्मनी को भुलाकर एक साथ घर में बैठकर भोजन का आनंद लेते हैं। कॉर्पोरल और फ्रिज की माँ दोनों एक दूसरे को कुछ क्षण के लिए घूरते हैं। फिर फ्रिज की माँ थाली बजाती हुई कहती है, चलो अब अपनी अपनी बंदूकें यहीं बाहर रख दो और अंदर आ जाओ, इससे पहले कि वे सभी कुछ चट कर जाएं, इट मीन्स खा जाएं। ओके। अब जबकि जर्मन्स और अमेरिकन्स एक ही कमरे में बैठे थे तो जगह छोटी होने के कारण उन दोनों की कोहनियाँ आपस में रगड़ खा रही थीं, टकरा रही थीं, क्योंकि अब और चार लोग अधिक हो गए थे और घर में बैठने की जगह बहुत ही सीमित थी। इसके बाद आगे क्या होता है? इसके बाद फ्रिज की माँ फ्रिज से कहती है कि जाओ भाग कर जाकर कुछ और आलू ले आओ, क्योंकि अब हमारे यहाँ और चार लोग एक्स्ट्रा हो गए हैं और इन सभी को भूख लगी हुई है और भूखा व्यक्ति गुस्से से भरा होता है। उसके बाद फ्रिज भाग कर जाता है बाहर से, बाहर से कुछ और आलू ले आता है। उसके बाद सभी एक साथ बैठकर भोजन का आनंद लेते हैं, रात गुजारते हैं। रात गुजारने के बाद सुबह सुबह ही वे दोनों, जर्मन्स और अमेरिकन्स दोनों, फ्रिज की माँ से हैंडशेक करके अलविदा कहकर चले जाते हैं और कहते हैं कि आपके इस सम्मान के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और माँ जर्मन्स और अमेरिकन सोल्जर्स को हाथ हिलाकर अलविदा कहती है और तब तक उन्हें देखती रहती है जब तक कि वो विपरीत दिशा में ओझल ना हो जाते हैं। सो डेट वॉज द स्टोरी, ये कहानी थी स्टूडेंट्स, अ ट्रूथ इन द फॉरेस्ट का। तो इस कहानी का मोरल क्या होता है? इस कहानी का मोरल ये होता है कि यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि किस प्रकार से एक बूढ़ी महिला ने अकेले ही दो दुश्मनों को अपनी बुद्धिमत्ता व सरलता, सरल स्वभाव से मित्र बना दिया, जो संपूर्ण विश्व में एक अद्वितीय शांति और मानवता का उदाहरण हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस ए, बी, सी का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया गया है। सो गो थ्रू विद दैट सॉल्यूशन एंड डू फेयर इन अ वेरी प्रिस्क्राइब्ड वे। ओके, दैट्स ऑल। लेट्स मीट इन आवर अनदर क्लास। टिल नाउ गुड बाय फॉर एवरी वन।